सो नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक और न्यू वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक ऐसी अर्निंग एप्लीकेशन लेके आया हूँ जिसके जरिए आप डेली 500 से 600 रुपए आसानी से कमा सकते हो। इस एप्लीकेशन की खास बात यह है दोस्तों, आपके अकाउंट में चाहे एक रुपया हो आप उसे विड्रॉ कर सकते हो। आप एक दिन में चाहे जितनी बार विड्रॉ करना चाहे उतनी बार विड्रॉ कर सकते हो। इसमें विड्रॉ की कोई लिमिट नहीं है। वैसे तो आप में से बहुत सारे यूज़र इस एप्लीकेशन को जानते होंगे। इस एप्लीकेशन का नाम है अर्न करो। तो इस एप्लीकेशन में आपको किसी भी प्रोडक्ट को सेल करना होता है, जिस किसी भी प्रोडक्ट को सेल करते हो तो आपको उस एप्लीकेशन की बहुत अच्छी कीमत दी जाती है, जो कि आपको अमेजोन पे वो कीमत देखने को नहीं मिलती है। और आपके पैसे भी तुरंत आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं, जिसे आप बैंक में या फिर अपने पेटीएम नंबर पर ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो अगर आप जानना चाहते हो कि आप इस एप्लीकेशन से कैसे पैसे कमा सकते हो और कैसे साइनअप कर सकते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। ऐसी लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों वैसे तो आपने अर्न करो की वेबसाइट का नाम सुना होगा, बट अभी इसका अर्न करो का एप्लीकेशन भी आ चुका है। इस एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को ओपन करते हो तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है। आपको यहाँ पे अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद अगर आपके पास कोई अकाउंट है तो आपको यहाँ पर साइन इन पर क्लिक कर देना है। अगर आपके पास कोई अकाउंट नहीं है, आप यहाँ पर न्यू यूज़र हो, तो आपको यहाँ पर साइन अप पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अभी आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देता है। आप चाहे तो यहाँ पे फेसबुक से भी अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। अगर आप फेसबुक से अकाउंट क्रिएट नहीं करना चाहते हो तो आप यहाँ पे अपना नाम, अपना ईमेल एड्रेस, यहाँ पे पासवर्ड, अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा। एंटर करने के बाद अभी आपके इस मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। अभी आपको यहाँ पे गेट OTP पे क्लिक कर देना। तो अभी मेरे मोबाइल पर एक OTP आया, तो चलिए अभी मैं इसे फिल कर लेता हूँ। OTP फिल करने के बाद अभी आपको यहाँ पे वेरीफाई OTP पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा अकाउंट क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पे आप नीचे की तरफ स्क्रॉलिंग करोगे तो आपके सामने यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर आप इस प्रोडक्ट को सेल करते हो तो आपको यहाँ पे 216 रुपये का प्रॉफिट होगा। अगर आप इस प्रोडक्ट को सेल करते हो तो आपको यहाँ पे 336 रुपये का प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों अगर आप इस वॉच को अपने 10 फ्रेंड को भी बाय करा देते हो तो आपको 3 से 3,500 का प्रॉफिट हो जाएगा। इसी तरह से आपको यहाँ पे बहुत सारा सामान देखने को मिल जाएगा। आप जिस सामान को भी चाहे यहाँ पे सेल कर सकती हो। तो अब तो जैसे कि दोस्तों इस वॉच को सेल कैसे करना है, तो आपको सबसे पहले इस वॉच पर क्लिक कर देना है। इस वॉच पर क्लिक करने के बाद अभी आपको यहाँ पर शेयर पर क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ पर कहीं पर भी शेयर कर सकते हो। तो अभी यहाँ पर मैं व्हाट्सएप पर शेयर कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं व्हाट्सएप मैंने ओपन कर लिया, तो यहाँ पे मैं इसे शेयर कर देता हूँ। तो अभी आपके इस लिंक से कोई भी फ्रेंड इस वॉच को बाय करता है तो आप ही 200 आपके अकाउंट में मिल जाएंगे, जिसे आप बैंक में या फिर अपने पेटीएम अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको किसी प्रोडक्ट को सर्च करना है तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अभी आपको उस प्रोडक्ट का नाम डाल देना है। जैसे कि अभी मैं वीवो का मोबाइल ही सर्च कर लेता हूँ यहाँ पे कोई भी, तो यहाँ पे मैंने वीवो लिख दिया, यहाँ पे मैंने सर्च कर दिया। अभी मेरे सामने वीवो के जितने भी मोबाइल होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। अभी मेरे को जिस भी मोबाइल को सेल करना है आपको सिंपल सा उस पर क्लिक कर देना है, और दोबारा से वही प्रोसेस है। आपको शेयर पर क्लिक करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में या फेसबुक ग्रुप में इसे शेयर कर देना है। अगर आपका YouTube चैनल है तो आप अपने डिस्क्रिप्शन में भी इन प्रोडक्ट का लिंक लगा सकते हो, जिससे आपकी दुगनी कमाई हो सकती है। तो दोस्तों अगर आपने यहाँ पे कोई प्रोडक्ट सर्च किया वो प्रोडक्ट आपको ना मिले, तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। तो दोस्तों क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद अभी आपको यहाँ पे अमेजोन या फ्लिपकार्ट की वेबसाइट ओपन कर लेनी है। और आपको यहाँ पे जिस भी प्रोडक्ट को आप सर्च कर रहे थे आपको उस प्रोडक्ट का नाम यहाँ पे सर्च कर लेना है। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे डाला हुआ है वीवो Y15 Pro। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आ चुका वीवो Y15 Pro। आपको इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अभी आप यहाँ पे देखोगे कि आपके सामने यहाँ पे शेयर का ऑप्शन भी होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे शेयर का ऑप्शन ये रहा, तो हम यहाँ पे शेयर पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों अभी आपको यहाँ पे इसका लिंक कॉपी कर लेना है। तो जैसे कि अभी मैं इसका लिंक कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे। तो दोस्तों लिंक कॉपी करने के बाद अभी आपको यहाँ पे बैक चले आना है। आने के बाद अभी आपको यहाँ पे कोई भी नोटपैड या फिर व्हाट्सएप ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं व्हाट्सएप ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पे आपको उस लिंक को पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो आप। तो यहाँ पे आपको इस ब्लू लिंक को कॉपी कर लेना है। तो यहाँ पे मैं इस लिंक को कॉपी कर लेता हूँ, और अभी आपको यहाँ पे अर्न करो पर क्लिक कर देना है। तो अभी आपको यहाँ पे अर्न करो की एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है।
अभी आपको यहाँ पे मार्क लिंक्स पर क्लिक कर देना है और आपको उस लिंक को यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो चलिए अभी मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने पेस्ट पर क्लिक किया और यहाँ पे आपको मेक प्रॉफिट पर लिंक पर क्लिक कर देना है। तो अभी आपको यहाँ पे ये लिंक रेडी हो चुका है। तो अभी आप इस लिंक को जहाँ पे भी शेयर करना चाहे इस लिंक को वहाँ पे शेयर कर सकती हो। तो दोस्तों यहाँ पर आप बैक चलोगे तो आपको यहाँ पे इस ट्रे का ऑप्शन दिखाई देगा। आप इस पर क्लिक करोगे तो जो आपने लिंक यहाँ पे शॉर्ट किया होगा उस लिंक पे जितने भी क्लिक हुए होंगे वो यहाँ पे शो होंगे होंगे। जितने भी आपके प्रोडक्ट को खरीदा गया होगा वो यहाँ पे शो होंगे और आपकी इस प्रोडक्ट में कितनी अर्निंग हुई है वो यहाँ पे आपकी शो होगी। और यहाँ पे आप प्रोफाइल पे जाओगे तो आपको अपनी अर्निंग कैसे चेक करनी है तो आपको यहाँ पे माई अर्निंग पर क्लिक कर देना है। आप जब क्लिक करोगे तो आपके यहाँ पर टोटल अर्निंग शो होगी कि आपने तक कितनी अर्निंग की है। और आप इसे विड्रॉ कैसे कर सकती हो इसके लिए आपको बैक चलना है। बैक चलने के बाद अभी आपको यहाँ पे अकाउंट सेटिंग पर क्लिक कर देना है। अकाउंट सेटिंग पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पेमेंट सेटिंग पर क्लिक करना है। पेमेंट सेटिंग पे क्लिक करने के बाद अभी आपको यहाँ पे अब आपकी जो पासबुक में आपका नाम है वो यहाँ पे आपको एंटर कर देना है। आपका बैंक का नाम यहाँ पे एंटर करना है और आपकी ब्रांच का नाम एंटर करना है, मतलब आपका जो बैंक है वो किस जगह पर है वो यहाँ पे आपको एंटर करना है। और यहाँ पे IFSC कोड यहाँ पे एंटर कर देना है और यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड एंटर कर देना जो आपने ऐप का पासवर्ड यहाँ पे सेट किया होगा। उसके बाद आप यहाँ पे सेव चेंज के ऊपर क्लिक कर दीजिए, आपके यहाँ पे बैंक की डिटेल सेव हो जाएगी। उसके बाद आपके अकाउंट में जितने पैसे होंगे वो आप विड्रॉ कर पाओगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आपकी पूरी सहायता करूँगा। और ऐसी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।